गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम दशमलव का गुणा देखेंगे और दशमलव के गुणा में हम ऐसे सवालों को लिए हैं जिसमें 10 का गुणा, 100 का गुणा, 1000 का गुणा करना है। और जब हमारे पास इस तरह के सवाल होंगे तो गुणा करना बेहद आसान हो जाता है, ठीक है ना। और इन सवालों के लिए आपको किसी तरह के पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती या गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे हम देखेंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं तो पहले एक सवाल आपको यह और यह दो सवाल आपको हल करके बताता हूँ, ठीक है। कि यहाँ जो है 4.25 गुणा 10, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जब हमारे पास 10 या 100 या 1000 हो, तो देखिए इधर जो जीरो है उसे हम उतार लेते हैं और फिर इसका गुणा करते हैं। 1 × 5 5, 1 × 2 2 और 1 × 4 4। अब हम देखते हैं कि यह दशमलव संख्या है 4.25। दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं? तो हमारे पास 2 और 5 दो अंक हैं हमारे पास। तो गुणनफल में हम दाईं ओर से दो अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, गिनते हैं 1 2 और हमारा दशमलव यहाँ लगेगा। तो यह हो जाता है 42.50, ठीक है। इसी तरह से इस सवाल को भी हल करते हैं। 5.761 5.761 गुणा 100, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं दोनों जीरो उतार लेते हैं और 1 × 1 = 6 1 × 6 = 7 और 1 × 5 5। अब दशमलव कहाँ लगेगा? तो यहाँ देखिए दशमलव के दाईं ओर 3 अंक हैं, 1 2 3। तो हम गुणनफल में 3 अंक छोड़ते हैं, लगाते हैं दशमलव यहाँ, ठीक है। तो हमें यहाँ मिल गया 576.1। इन जीरो का कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या मिला हमें? 42.5, ठीक है। इन दोनों सवालों को हल करने पर आपने देखा होगा, यहाँ जब हमने 10 का गुणा किया तो जो दशमलव है एक स्थान दाईं ओर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और जब यहाँ हमने 100 का गुणा किया तो जो दशमलव है वह दो स्थान दाईं ओर शिफ्ट हो गया। देखिए यहाँ था, दो अंक छोड़कर यहाँ आ गया। मतलब एक चीज समझिए कि 10 इसमें कितने जीरो हैं? एक जीरो है, तो एक जीरो है तो एक स्थान दाईं ओर शिफ्ट हुआ, जो दो से पहले था वह दो के बाद आ गया। यहाँ कितने जीरो हैं? दो जीरो हैं, तो जो दशमलव है दो स्थान दाईं ओर शिफ्ट हो गया। बस इसी चीज को पकड़ना है। सबसे पहले इसे आप लिख लीजिए 6 3 4 6 3 4। यहाँ आपने गुणा कितने का किया है? कितने का किया है? 10 का। यहाँ कितना जीरो है? एक जीरो है। तो ये जो दशमलव है एक स्थान दाईं ओर शिफ्ट होगा, जो 6 और 3 के बीच था वह इधर जाएगा, 3 और 4 के बीच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा दशमलव आएगा यहाँ, ये हो गया 63.4। इसको तो हमने देख ही लिया, यहाँ हमने हल करके देखा है, यहाँ भी उसको लिख सकते हैं। हम लिखते हैं 5 7 6 1। अब देखिए यहाँ कितने जीरो हैं? दो जीरो हैं, तो यहाँ था वो दो अंक छोड़कर इधर शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, लिखते हैं 8.834, ठीक। अब यहाँ कितने जीरो हैं? दो जीरो हैं, तो जो यहाँ था वो दो अंक छोड़कर इधर जाएगा, मतलब यहाँ, यहाँ जीरो भी लगा सकते हैं आप, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 834, ठीक है। चलिए जीरो लगा दिए रहते हैं दशमलव लगाकर ताकि आपकी समझ बने। यहाँ चलते हैं, यहाँ है 1000 का गुणा, लिख लीजिए इसको 5 6
4, 2, 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 1, 2, 3। तो जो पॉइंट है, दशमलव है, 3 अंक आगे शिफ्ट होगा, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ। ठीक है, तो वह आ गया 2 और 8 के बीच में। आगे एक सवाल और है, इसे भी लिख लेते हैं, 3, 9, 4, 2। अब यहाँ दशमलव कहाँ लगेगा यह देखते हैं। तो यहाँ देखिए कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो यह आगे होगा, 3 अंक शिफ्ट होगा, 1, 2, 3 दाईं ओर यहाँ लगेगा, यहाँ हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ और सवाल ले सकते हैं क्या, चलिए हम लेते हैं 4.5, और अगर इसमें गुणा है 100 का। ठीक है, अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि क्या होता है, तो यह हो गया 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यह जो दशमलव है 2 अंक आगे शिफ्ट होगा, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ तो 5 अकेला है। ठीक है, अब क्या करें, 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आगे। ठीक है, और अब देखिए कहाँ आएगा, तो 2 जीरो हैं, तो यहाँ से 2 अंक आगे बढ़कर यहाँ, मतलब इसका उत्तर हमें मिला 450। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास दशमलव का गुणा करना हो, और हमारे पास 10 का गुणा या 100 का गुणा, 1000 का गुणा करना हो, तो हमेशा याद रखिए वहाँ जितने जीरो होंगे उतने ही स्थान वह गुणनफल में दाईं ओर शिफ्ट होगा। क्या शिफ्ट होगा, दशमलव शिफ्ट होगा। जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ 1 जीरो है, तो जो दशमलव था वह 1 स्थान इधर शिफ्ट हुआ और वह 3 और 4 के बीच में चला गया। यहाँ 2 जीरो है, तो जो दशमलव है यहाँ से आगे बढ़कर 2 जीरो है, तो 2 स्थान आगे और यहाँ आ गया। तो इसी तरह से हमें दशमलव का गुणा करना है, जब गुणा करना हो हमें 10, 100, 1000, 10,000 का।